झी नेटवर्कचं जिंदगी हे नवं चॅनल येत्या 23 जूनपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या वाहिनीवर प्रेक्षकांना एकाहून एक सरस आणि दर्जेदार मालिका पाहायला मिळणार आहेत. त्यातल्याच एका मालिकेतल्या कलाकाराशी केलेली खास बातचीत पाहूया. लाहौर की गलियों से लखनऊ के बरामदों तक हमारे वेश परिवेश भले ही अलग हों, हमारी कहानियां एक हैं. सरहद पार की कुछ ऐसी ही कहानियां जो जोड़ेंगी हमें एक दूसरे से. भारत में आपको आके कैसा लग रहा है? भारत में मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये लगना जो है मुझे बहुत पहले से शुरू हो गया था, इसलिए कि मैं बहुत पहले से पाकिस्तान से इंडिया आता था. मैं पाकिस्तान का पहला एक्टर हूँ जिसको ऑफिशियली इंडिया में एक पाकिस्तानी हमने सीरियल शूट किया था, जो कि एक पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउस का था, एक चैनल का था, और यहाँ वो इंडिया में शूट होता था. तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक परमिशन मिली हुई थी कि पाकिस्तान से मैं आके यहाँ काम कर सकता हूँ. मैं पहला एक्टर था और आज मैं ही पहला एक्टर हूँ जो कि अपनी टीवी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ऑल्दो मैं बॉलीवुड का हिस्सा भी बन गया हूँ और यहाँ फिल्म्स भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये खुशी की बात है और बहुत फख्र की बात है. आप कितने शोज़ को फॉलो करते हैं जो भारत के हैं? यार मैं भारत के सारे शोज़ तो मैं नहीं कहूँगा फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं सारे शोज़ पाकिस्तान के फॉलो नहीं करता. मैं टीवी ज़रा कम देखता हूँ, लेकिन मैं सारे वो रियलिटी शोज़ ज़रूर देखता हूँ. स्पेशली इसमें माधुरी दीक्षित आती हैं, झलक दिखला जा, क्योंकि वो मेरी फेवरेट हैं. उनके उनको देख देख के मैंने प्यार करना सीखा है. मुझे खूबसूरती का मतलब समझ में आया है कि एक कोई इंसान, कोई औरत इतनी खूबसूरत भी हो सकती है. और अगर मौका मिला माधुरी के साथ काम करने का तो आई विल गो फेंट. या आई वुड डेफिनेटली लव टू बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इन विच माधुरी इज प्लेइंग एनी रोल, जस्ट इन ऑर्डर टू इवन शेयर स्क्रीन स्पेस. जितनी खूबसूरत आपकी शख्सियत है, उतनी खूबसूरत आवाज़ खुदा ने आपको दी है. चाहेंगे कुछ सुनना आपसे? क्या सुनना चाहेंगे? जो आप सुनाना चाहें, जो आपकी दिली इच्छा हो. रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर का जल जले आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले. हो रोज रोज आँखों तले. बहुत खूब, मतलब खुदा ने, भगवान ने किसी के अंदर एक्टिंग और सिंगिंग और खूबसूरत, मतलब चेहरा, सब कुछ एक साथ में कूट कूट के भर दिया है ना. क्या कहेंगे अपने दर्शकों से? दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को और अपने चाहने वालों को मैं यही कहूँगा कि अभी बहुत कुछ है जो आपने मेरा नहीं देखा. बहुत सा काम जो पाकिस्तान में मैंने किया और बहुत सा काम है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ अपनी फिल्म्स के थ्रू बॉलीवुड में. तो जब भी आप मुझे देखें, अपना प्यार दें, ज़रूर देखने आएँ. अच्छे या बुरे की जजमेंट बाद में कीजिएगा, पहले आके वो दूरी मिटाइए और वो फासला ख़त्म कीजिए और दिलों के अंदर से जो एक हमारे एक शायद फासला ही कहूँगा, नफ़रत या और कोई लफ्ज़ मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो है नहीं, सिर्फ एक डिस्टेंस जो है वो ख़त्म कीजिए और आइए गले मिलते हैं. लेट्स बिल्कुल आइए गले मिलते हैं. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. कैमरामैन संजीव के साथ आलोक कुशवाहा, जी मीडिया मुंबई. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.